हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल टिक्टोरियल में। इस वीडियो में गाइस बात करें व्हाट्सएप के एक नए फीचर्स के बारे में। व्हाट्सएप को मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए अपने चैनल में, जब भी अपडेट आते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन गाइस बहुत दिनों से मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। मतलब ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है व्हाट्सएप का जो अपडेट मुझे अच्छा मैं वीडियो बनाता हूँ। जो कि मैंने लास्ट बनाया था मे बी डार्क मोड को लेकर ऐसे कुछ था, लेकिन गाइस अभी व्हाट्सएप में आया एक बहुत ही बढ़िया वॉसम झकास फीचर्स जिसके बारे में गाइस बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप सर्च के ऊपर बहुत सारे चीज़ों के इंक्लूड किया गया है एंड इसके फीचर्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, जो कि है व्हाट्सएप के सर्च मोड कैसे काम करता है, किस काम के लिए यूज़ करेंगे, उसके ऊपर गाइस बात करेंगे। चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल पर और यहाँ पर गाइस बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं WhatsApp को ओपन कर लूँगा, कोई भी एक WhatsApp में ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक WhatsApp ओपन करता हूँ, सर्च पे जाता हूँ गाइस, सॉरी क्लोन WhatsApp में, मेरे दूसरे WhatsApp काम नहीं कर रहा है, उधर नहीं मिला। तो चलो गाइस ओरिजिनल WhatsApp को ओपन करते। तो यहाँ पर WhatsApp ओपन करते गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस, और यहाँ पर ऊपर है सर्च बटन और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं सर्च बटन पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फोटोज़, वीडियोज़, लिंक्स, जिप्स, ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट्स, जो कि गाइस इससे पहले नहीं था। इससे पहले जो भी व्हाट्सएप के वर्जन था वहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन गाइस अभी ये चीज़ें मिल गया। तो यहाँ पर कैसे आप उसको सर्च करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग पहले क्या करते थे, सर्च बटन पे जाके यहाँ पर किसी भी कॉन्टैक्ट का नाम सर्च करते हैं, जिसके साथ हम कॉल करना चाहते हैं या फिर जिसके साथ हम लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उसका नाम हम डायरेक्टली सर्च करते थे। तो लेकिन गाइस अभी यहाँ पर सर्च पे आप किसको वीडियो भेजें, आप सिर्फ वीडियो देखना चाहते हो, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप किसी पार्टिकुलर वीडियोस को बाहर निकालना चाहते हो या फिर फोटोज़ को, फिर आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सर्च बटन पर जाता हूँ, मुझे फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं फ़ोटोज़ पर जाऊँगा। जब भी मैं फोटोज़ पर जाऊँगा यहाँ पर गाइस देख सकते हो बहुत सारे फोटोज़ मुझे मिल चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं जाता हूँ सर्च बटन पर, अगर जाता हूँ वीडियोज़ पे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ मिल जाएगा गाइस, बाकी चीज़ें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे जितने सारे वीडियोज़ मैंने भेजा है वो सब मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। फिर गाइस अगर मैं सर्च पर जाता हूँ, लिंक्स पर जाता हूँ, तो मैं जिसको भी लिंक्स भेजा है या फिर जिसने भी मुझे भेजा है सारे लिंक्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे ईजिली गाइस। अगर मैं ऑडियो पर जाता हूँ ऑडियो मिलेगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट पर जाऊँगा तो डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, और जीप्स पे जाऊंगा तो जीप्स भी मिलेगा। मतलब बहुत ही इजीली गाइस आप यहाँ पर व्हाट्सएप के मदद से किसी भी कॉन्टैक्ट को तो सर्च कर ही सकते थे, लेकिन गाइस अभी आप बहुत ही इजीली व्हाट्सएप के मदद से किसी पर्टिकुलर चीज़ों को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे फ़ोटोज़ हो गया, ऐसे आप अलग अलग से चीज़ सर्च कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो पिक्चर्स होते हैं एंड जो एनिमेटेड पिक्चर होते हैं, डॉक्यूमेंट, सबको अलग अलग सब सर्च कर सकते हैं। ऐसा कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास बहुत सारे फाइल्स आते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, फिर आप भूल जाते हो कि किस बंदे ने भेजा है। आपको पता है कि आपको एक वीडियो मिला या फिर आपको एक फ़ोटो मिला, लेकिन आप भूल जाते हो कि किस बंदे ने भेजा है। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्च बटन पे जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियोज़ भी ऑनली यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। मतलब बहुत ही ईजिली एक फ़िल्टर दिया गया है। इस फीचर्स के बारे में मेरा ओपिनियन गाइस बहुत ही बढ़िया एक फीचर्स है व्हाट्सएप का, जो कि ऐसे फीचर्स लाना चाहिए जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को बाहर निकालना, फिल्टर करना व्हाट्सएप में होना चाहिए, जो कि गाइस मिल गया। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। अपडेट आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट कर बताना, कोई और सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।